नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। वी हैव नो एनी काइंड ऑफ enmity with Palestine or any other country. We will have to check the rules. संसद के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही चल रही थी, राज्यवार सांसदों को शपथ दिलाई जा रही थी, जब बारी तेलंगाना की आई। नंबर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का आया तो अपने पारंपरिक लिबास में असदुद्दीन ओवैसी मंच पर पहुंचे। हाथों में अपने शपथ का मजमून लेकर आए थे, सलीके से माइक को दुरुस्त किया और कुरान की आयतों के साथ शपथ की शुरुआत। नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। असदुद्दीन ओवैसी ने बिस्मिल्लाह से शुरू कर अल्लाह के नाम पर बतौर सांसद पद और गोपनीयता की शपथ ली, लेकिन इसके आगे सांसद महोदय ने जो किया अब विवादों में आ गया है, क्योंकि जय भीम, जय मीम और जय तेलंगाना का नारा लगाते लगाते असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से जय फिलिस्तीन का नारा भी संसद में गूंजने लगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर एक नया सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जब असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शपथ में जय फिलिस्तीन बोला तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे ने इस पर एतराज जताया। हालांकि संसद से बाहर आने के बाद भी ओवैसी अपनी बात पर कायम रहे। जिन्होंने क्या क्या कहा, नहीं कहा, तो सब आपके सामने है। सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय जय तेलंगाना, जय। तो उन्होंने फिलिस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताओ, कौन सा संविधान का प्रोविजन है ये बोलने की? उद्देश्य क्या, उद्देश्य क्या है? मजलूम आवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि लोकसभा में पीठासीन अधिकारी राधा मोहन सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को रिकॉर्ड से निकालने को बोला है। हालांकि ओवैसी के इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, तो तय मानिए कि आगे और हंगामा मचना तय है। वी हैव नो एनी काइंड ऑफ एनमिटी विद पैलेस्टाइन और एनी अदर कंट्री। The only issue is while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? We have no problem with any other countries, but whether it is appropriate or not, we will have to check the rules. Some members have come to me and complained about the raising of Palestine slogan at the end of the oath.